जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और देश के वीरों शहीदों को समर्पित चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन करता हूँ सुनिएगा, कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। वाह। कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। ओ गिनता था निज बचपन में जो सिंह दंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। ओ जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। ओ खाई घास रोटी किंतु किया नहीं संधि कभी, वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। सज्जनों, अपने देश के लिए स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग करने के तो हमारे देश में असंख्य उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अपने देश के लिए अपने प्यारे पुत्र के प्राणों का बलिदान करने का उदाहरण इस पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है, और वह उदाहरण होता है हमारे भारतवर्ष के राजस्थान के मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ की माँ पन्नाधाय का। भैया, मैं उस वीरांगना की गौरवगाथा आपके समक्ष रखता हूँ। कविता लंबी है लेकिन मैं उसको छोटी करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने दिए हुए समय में उस कविता को पूर्ण करूं। मैं कविता पढ़ता हूँ, आप लोगों की संवेदनाओं और ओज को एक साथ जागृत करने का छोटा सा उपक्रम करता हूँ। कि कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, उस वीरांगना का आज फिर से गीत गाता हूँ। चित्तौड़ में रहती थी वह एक वीर दासी थी, धाय होकर भी कुंवर के हेतु मासी थी। सांगा का था छोटा सुत उदय सिंह नाम था उसका, उसी के ख्याल में पागल यही बस काम था उसका। उसी की सेवा में तत्पर सदा रहती थी निष्बासर, वही था देवता मंदिर वही हर धाम था उसका। यह बात है उस रात की, चहु और उत्सव था, बनवीर ने उस रात रचवाया महोत्सव था। उदय सिंह खेल कर थक हार कर दौड़ा हुआ आया, आते ही माँ ने प्यार से बेटे को दुलराया। उदय सिंह माँ से बोला, माँ मुझे उत्सव में जाना है, सभी जन कह रहे होता वहां पर नाच गाना है। पन्ना बोली, मेरे लाल भोजन करके सो जाओ, बड़ी है रात काली आज बाहर अब नहीं जाओ। कुंवर तब रूठ कर बोला, नहीं भोजन नहीं लूंगा, तलवार ही खोलूंगा ना सैया पे सोऊंगा। वह अपने लाल के इस हाल पर खोई थी विस्मित सी, तभी वह सामली परिचारिका आई थी चिंतित सी। बिलख कर धाय से बोली कुंवर की जान खतरे में, वतन की लाज रखले माँ वतन की आन खतरे में। वतन की लाज रख ले माँ वतन की आन खतरे में। कुंवर की जान लेने को अभी बनवीर आएगा, बने सब दास हैं उसके नर कोई रोक पाएगा। तभी पैरों की आहट ने था उनका ध्यान भरमाया, विस्मय से उधर देखा तो कीरत बारी था आया। पन्ना बोली, कीरत से कीरत तुम ये बतलाओ, तुम्हें है नेह कितना निज कुंवर से यह तो समझाओ। वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। वाह। इतनी कम तालियों में कविता पाठ करने की मेरी आदत नहीं है, अपना सहयोग दीजिएगा। वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। पन्ना ने कहा, कीरत तो अवसर आज आया है, कुंवर की जान खतरे में वह सिर पर काल छाया है। कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है, भंवर में है फंसी कश्ती तुझे उसको बचाना है। और कुंवर को लेकर कीरत जब महल के पार जाता है, तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है कि बनवीर के आने पे उसको क्या बताऊंगी, कुंवर जब है नहीं तो फिर उसे मैं क्या दिखाऊंगी। तभी फटती है छाती उसकी, एक सैलाब उठता है वतन की लाज रखने को। तभी वह भाव जगता है कि वतन के यज्ञ में मैं आज समिधा जलाऊंगी। पंक्तियां सुनिएगा, कि वतन के यज्ञ में मैं आज सुत समिधा जलाऊंगी, लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। वाह 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 वाह। लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी।
सिसक कर मन में वह बोली, मैं कैसा गुल खिलाऊंगी, मैं अपने लाल को ही आज चिरनिद्रा सुलाऊंगी, मैं हूँ एक सर्पिणी जो आज अपना लाल खाऊंगी, मिलेगा जब वह ऊपर तो मैं उसको क्या बताऊंगी, भगवान भगवान तुम क्षमा करना, भगवान तुम क्षमा करना, मैं अपराध करती हूँ, वतन की आज वेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। वाह वाह वाह, वतन की आज वेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। और कुंवर की सुनी सैया पर सुत चंदन सुलाती है, रह रह चूमती माथा सिसक आंसू बहाती है, तभी पैरों की आहट होती है, बनवीर आता है, जो आंसू देख पन्ना के नयन में मुस्कुराता है, कहता है वो पन्ना से कि पन्ना तुम ये बतलाओ, कुंवर से है मुझे मिलना, उसे तुम पास ले आओ, तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले, तौलूंगा तुझे धन से मेरी यदि बात तू रख ले। और पन्ना का जवाब सुनिएगा सुनिएगा, पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी, प्रथा जिनकी सदा से ही रही है वीर बलिदानी, और गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में, गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में, वो चढ़ती है सदर रणभूमि में या फिर चिताओं में। वाह, वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में, वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है, इतना बोल कर में ले कटारी वार करती है, बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है, फिर मद में वह हंसता हुआ पन्ना से कहता है कि नारी यदि न तू होती दुधारा पार कर देता, तेरे इस वार के बदले तेरा संहार कर देता, नारी पर उठाना हाथ मेरे धर्म से बाहर, करूंगा वध अगर तेरा, कहेंगे सब मुझे कायर, माँ माँ बनवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको, बातें धर्म की करने का क्या अधिकार है तुझको, तू कायर नीच पापी है, नराधम कर्म है तेरा, मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। वाह 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 वाह, मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है, चंदन को समझ करके कुंवर वह मुस्कुराता है, तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है, तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है, कोमल से बदन में वह दुधारा पार करता है, देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है, असीमित दर्द की गहराइयों को नाप जाती है, माना माना वीर नारी थी परिक माँ भी तो थी पन्ना, माना वीर नारी थी परिक माँ भी तो थी पन्ना, किया बलिदान उसका था जो उसकी कोख से जन्मा, लहू लहू निज सुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई, गिरी मूर्छित हो धरती पर खड़ी वह रहे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, गिरी मूर्छित हो धरती पर खड़ी वह रह नहीं पाई, और कहानी है ये उस माँ की, कहानी है ये उस माँ की, जो थी एक वीर मर्दानी, कहीं जग में न जन्मी और ऐसी बात बलिदानी, जो जो कुल दीपक बुझाकर, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है, और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है, लहू चंदन का देकर।